वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप, इसका मैं क्या करूंगा। एंड साथ में एक बुक एंड क्वेल भी मिला था, क्या लिखा है इसमें जरा देखूं तो। ओ भाई साहब, तो पिछली बार जब मैं मैक्स लेवल का फॉर्च्यून पिकैक्स ढूंढ रहा था तो हमें मिला था एक वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप एंड साथ ही साथ एक बुक एंड क्वेल। एंड इस बुक एंड क्वेल में लिखा हुआ था लालच बुरी बला है। यो व्हाट्स अप गेमर्स, इट्स योर बॉय एपिक एंड गाइस, आज हम लोग अपने लिए ढूंढने जा रहे हैं, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेवल। बाप रे कितने सारे नाइन है, 9999996 9। तो यस, पिछली बार हम लोग अंबानी बेजोस बन गए थे, लेकिन इस बार हम लोग भगवान अंबानी बेजोस बनेंगे अपने लेवल 9,99,999 वाले स्वॉर्ड से। लेकिन इस तलवार को पाने के लिए मुझे इस मैंसन को रेड करना पड़ेगा। तो देखो, क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ इसीलिए मैं पहले आराम से हौले हौले अंदर जाऊंगा, फिर सबको प्यार से टपकाऊंगा एंड फिर खजाना लूट के आ जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो यलगार होगा। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फटाक से डाउटनेट ऐप के बारे में बता दूं, जहां पे आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है एंड 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या फिर CBSE बोर्ड UP बिहार महाराष्ट्र राजस्थान MP या फिर अदर बोर्ड्स का हो, या चाहे IIT JEE NEET या फिर 6 से 12 तक का क्वेश्चन हो, आपको सभी का जवाब मिल जाएगा डाउटनेट ऐप पे। या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा डाउटनेट ऐप पे। साथ ही साथ इस ऐप पे क्लास 9th से 12th के लिए चल रही है लाइव क्लासेस दोनों मीडियम में, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आप सारी पढ़ाई कर सकते हो डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे इस ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए एंड इंस्टॉल कीजिए डाउटनेट ऐप, ताकि आप मेरी तरह पढ़ाई में कमजोर ना हो जाए। तो चलो अंदर चलते हैं एंड सभी की खोपड़ियां फोड़ते हैं। तो पहले मैं किस साइड जाऊं? अरे यार, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। और ये देखो, ये छुटंकी, हेलो, आ जाओ, मर जाओ मर जाओ मर जाओ। अरे यार, मरता क्यों नहीं है एक बार में। और भैया वो क्रीपर कहाँ गया? उसे तो आदत है मुंह पे फटने की, वो रहा देखो। अरे फिर से इधर ही आ रहा है, ना ना ना, मुझे फटना नहीं है। A few inches later. Okay guys, लगता है बोकड़ी पर डर के मारे भाग चुका है, तो हम चलते हैं अपना खजाना ढूंढने। टॉर्च है मेरे पास। अरे अरे भाई साहब, 1 सेकंड नजर हटी मतलब दुर्घटना घटी। मैं थोड़ा सा टॉर्च क्या निकालने लगा, ये तो मेरे मुंह के सामने ही फट गया। भाई भाई भाई, बड़ा डर लगता है, इसीलिए मुझे क्रीपर से आके सीधे फट जाते हैं। अरे अरे भैया, नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, टॉर्च लगाने दो। आह चेस्ट है यहाँ पे, बाह, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मैंसन में एक बार में ही खजाना मिल गया। तो गाइस, क्या लगता है इसमें होगा हमारा खजाना? नहीं, म्यूजिक डिस्क है यार, इसका मैं क्या ढिंचिक ढिंचिक करूंगा। और गोल्ड है, छी गोल्ड, ये देख रहे हो कितने सारे डायमंड है और उसके सामने 2 गोल्ड। तो यहाँ पे तो हमारा मोस्ट पावरफुल खजाना नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत खाना खाने दो। हर टाइम मुझे हील करके रखना पड़ेगा भाई, मैं बहुत ही खतरनाक लोकेशन पे हूँ। तो इत्थे खजाना है, वहाँ पे जॉम्बी है, लेकिन इत्थे खजाना। अरे ये वो फालतू वाला रूम है जहाँ पे खजाना कभी रहता नहीं है, बस चेस्ट भरे रहेंगे चेस्ट। भाई भाई भाई, मैं पगला जाऊंगा, सही बोल रहा हूँ। टॉर्च लगाने दो, टॉर्च लगाने दो, ये क्रीपर भाई सही में आके मुंह पे फट रहे हैं, मैं क्या करूँ इनका। और मैंने सही सोचा था, ये सारे चेस्ट खाली हैं। ओके गाइस, तो ये सारे चेस्ट सही में खाली है। देखा, ऐसा ना करा, हमका दे दे हमका स्वॉर्ड भैया। अरे यार, सही में खजाना नहीं है इधर। वाई दिस कोलाबिलिटी, यहाँ पे नहीं होगा तो करता है तू। भाई के साथ धोखा हुआ, भाई ये तुम्हारे इपिक भाई के साथ धोखा हुआ, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ और लिखा है एंड इस तलवार का लेवल कुछ और है। रुक जाओ और ढूंढता हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे चेस्ट रहते हैं, हो सकता है कहीं और पे हम लोगों को इससे भी ज्यादा तगड़ा इंचेंटेड स्वॉर्ड मिल जाए। तो एक एक कोना कोना छान मारेंगे, बस कोई क्रीपर मेरे मुंह पे आके। लेकिन गाइस, देखता हूँ इसमें कितना पावर है, ये तलवार भी कम नहीं है, इसका भी शॉट जिसे पड़ेगा ना वो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे तुम लोग को उठाना नहीं है, भागने दो मुझे, शील्ड इक्विप करने दो मुझे। आहा, अब आ जाओ मिस्टर हड्डी।
वन शॉट वन किल, बाह। तो भाई साहब ये तलवार भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसमें इतना पावर है तो इसके ऊपर वाले लेवल का तो पावर भाई साहब, वन शॉट में तो शायद एंडर ड्रैगन को भी टपका दे। और यहाँ पे क्रीपर छे, ओ भाई साहब अब क्रीपर से डर नहीं लगता मेरे को, इन सबसे भी नहीं लगता। मारो फटाक फटाक सबको, इसे भी मारो, ये भी गया। एंड कोई बचा है? और भी कोई बचा है बता दो, मैं उसे भी टपका दूंगा। तो इधर शायद अब कोई नहीं बचा है। बट ये तलवार बहुत ही ज्यादा ओपी है। इधर मकड़ी है, अले ले ले, अले ले ले, मालोगे मुझे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अले ले, ये लो। भाई साहब ये तलवार का जवाब नहीं, तो इसके ऊपर वाले लेवल का तलवार तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। एंड सारे के सारे चेस्ट कहाँ चले गए? इतने सारे रूम है लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं है। इधर मकड़ी है, वो सामने मुझे चेस्ट दिख रहा है। क्या यहाँ पे कोई ट्रैप रहता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे कर्स ऑफ वैनिशिंग, सत्यानाश। ओ भाई किसकी इतनी हिम्मत, आ रहा हूँ, ये लो। तो भैया मुझे फटाक से अपना माल पानी दे दो, मैं यहाँ पे जिसके लिए आया हूँ वो मुझे चाहिए। अरे पीछे से अटैक मत करना, पीछे से अटैक मत करना। और उन दोनों को देखो, पगलेटा आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये तलवार तो ठीक है, मुझे इससे और ऊपर वाले लेवल का तलवार चाहिए। यहाँ पे भी चेस्ट है, चेस्ट में नेम टैग है, ऊपर से आयरन है, बताओ। ये तो बेज्जती हो गई अंबानी बेजोस की, इतने सारे डायमंड रहते हुए भी मुझे ये लोग गोल्ड तो आयरन दे रहे हैं। एंड क्या लगता है इसमें होगा खजाना? खोल के देखता हूँ। अरे ये तो वहीं पे आ गया हूँ मैं। तो आई थिंक सो मैंने नीचे के सारे रूम ऑलमोस्ट चेक कर लिए हैं। एंड नीचे मुझे जिस खजाने की तलाश थी वो नहीं मिला है। ऊपर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है भाई, तो ऊपर वाले फ्लोर में मिल जाना चाहिए शायद मुझे। यहाँ पे प्लीज होना, नहीं तो यलगार होगा। प्लीज क्रीपर नजदीक मत आओ, मर जाओ। भाई देख रहे हो गॉड इपिक अंबानी का कमाल। वैसे अभी बना नहीं हूँ लेकिन फिर भी ये तलवार मस्त है। इधर कोई खजाना? Nope. भाई साहब क्या आपको पता है खजाना कितने है? यार इन लोगों को भी नहीं पता है। हेलो हड्डी, व्हाई आर यू नॉट बियरिंग चड्डी? ओह हो, दो दो क्रीपर, दो दो क्रीपर। ओले ले, तुम लोगों को देख के मैं लिफत गई। अरे ये दूसरा वाला फट गया। ओके तो मैं अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं हूँ, मुझे संभल संभल के खेलना पड़ेगा। मर जाओ, ओके तुम भी मर जाओ। अरे इस क्रीपर ने तो दोनों को हवा में उछला दिया। क्रीपर ने पहली बार जिंदगी में मेरी हेल्प की। अरे यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ, इन चिड़ियों वाले से। अरे अरे अरे, अरे! भाई साहब मैं कैसे कैसे जिंदा हूँ मुझे भी नहीं पता, बस 20,000 IQ का क्लच कर दिया मैंने। जहाँ पे गया वहाँ पे मौत था मेरे सामने, लेकिन फिर भी बच गया। ये कैसे जिंदा है? हाँ ओ भाई ये अच्छा हुआ टोटम ऑफ अनडाइंग। अरे उठा ले भाई मेरे, इतना काम का चीज। हाँ तो अब मैं सेफ हूँ, शील्ड से तो ज्यादा अच्छा यही है, कम से कम हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। अभी सही बता रहा हूँ, गंदी वाली फट गई थी मेरी। और ये चिड़िया अभी तक मरा नहीं है। ओके अब मरा। अरे क्रीपर दूर हट, रियली संभल के खेलना पड़ेगा। मैं तो इस तलवार को लेके पूरा रिलैक्स हो गया था, लेकिन ना अभी भी डेंजर है रे बाबा। अरे दो 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 दो, ओके अरे तीन तीन। अरे मकड़ी क्यों क्यों क्यों, जाके कहीं और पे स्पाइडरमैन बन। अच्छा सॉरी ये स्पाइडर है लेकिन मैन नहीं है, तो फिर ये स्पाइडरमैन कैसे बनेगा? अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा खाना कलेक्ट करके आता हूँ बाहर से, तब फिर वापस जाऊंगा एंड इनकी वॉट लगाऊंगा। तो इतना खाना काफी है, वापस चलते हैं अंदर। एंड स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे वो तो सही में नहीं कर रहा है स्वागत, पीछे भाग गया, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगा। ओरे ओरे अरे अरे, फट जा दोनों, फट जा दोनों, फटो दोनों फटो। अरे यार फटना यार, क्यों डरा रहा है मुझे, फट जा। बट मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा रूम चेक कर लिया है, मुझे कहीं पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। चेस्ट वेस्ट नीचे ही वाले फ्लोर पे चेस्ट था, ऊपर तो कुछ लगता है भी नहीं। ये मर क्यों नहीं रहा था? पता नहीं कभी कभी अजीब होने लगता है, मैं क्या करूँ। आसमान से गिरा पता मटका, ये क्रीपर के बच्चे बौखला देंगे मुझे बाबा। अब लगता है मुझे यलगार ही करना पड़ेगा, ये आखिरी बार मैं ऊपर चेक करूंगा, अगर नहीं मिला ना कुछ तो फिर यलगार होगा। अच्छा इधर सीढ़ी था, मैंने देखा ही नहीं, लॉल। तुम लोग हमेशा बोलते हो सीढ़ी के पीछे का जाना रहता है, लेकिन नोप
खजाना नहीं है सीढ़ी के पीछे, लेकिन ऊपर ये क्रीपर है जिससे मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मैंने डरना नहीं सीखा। देखा मैं कितनी मस्त मस्त डायलॉग मारता हूँ। A few minutes later. अरे चिड़िया नहीं, I'm sorry चिड़िया। अरे भैया प्लीज तुम मुझे एक शॉट मत मार देना प्लीज। मैं बोलता ही क्यों हूँ। ओके अब तो मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, और सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। तो सही में अब मैं मैंसन को जलाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत हो गया अच्छा बच्चा बनना, अब मैं गंदा बच्चा बनूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे फ्लिंट कलेक्ट करना है। मुझे स्टील मिला था अंदर, क्या रीपी क्या करता रहता है, लेकिन अंदर जाके उसे ढूंढने से अच्छा मैं यहीं पे ढूंढ लेता हूँ। One eternity later. अब बस बनाना रहा है फ्लिंट एंड स्टील, फिर उसके बाद होगी तबाही। अब मैं क्या करूँ, इतना बड़ा मैंसन है कि कुछ भी ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से फ्लिंट एंड स्टील बना सकते हैं हम लोग। अब बस बहुत ही छोटा सा काम बचा है, वो है इस पूरे मैंसन को प्यार से होले होले जला डालना। सभी चीजें जला डालूंगा, अरे खुद नहीं जलना है बेवकूफ। तो ये देखो गाइस, आहा क्या आनंद आ रहा है मुझे ये देख के। मुझे तो लगता है वुडलैंड मैंसन को बनाया ही जला डालने के लिए। तो देखो इस साइड का सारा चीज जल चुका है, एंड इधर मुझे एक भी चेस्ट नहीं दिख रहा है, और इस साइड ये तो वही वाला रूम है जहाँ पे मुझे ये वाला तलवार मिला है। तो इन सभी चेस्ट में हमारा खजाना नहीं है, अब बचा है उस साइड देखना। तो देखो ये मैंसन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जल चुका है, एंड मुझे एक यूनिक चीज दिखी है। ये देखो यहाँ पे ये ऑब्सीडियन भरा हुआ है, शायद तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये साफ साफ मुझे ऑब्सीडियन दिख रहा है, एंड इसके बगल में एक चेस्ट भी है, तो शायद उस चेस्ट में हमारा खजाना हो सकता है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले उसी को चेक करने, क्योंकि मुझे कोई भी कीमत पर 990,900 पता नहीं क्या था, और मैं अपना खजाना तो ढूंढ के ही रहूंगा, गॉड बेजोस अंबानी जो बनना है मुझे। तो ये रहा चेस्ट, फाइनली यस फाइनली मुझे मिल गया अपना तलवार। ओ भाई दोनों में डैमेज देख रहे हो कितना, सीधे 10 गुना का टैग डैमेज का डिफरेंस है। इसका ट्राई मैं किस पे करूं, अरे कोई यहाँ पे जिंदा ही नहीं बचा जिस पे मैं ये ट्राई करूं। क्या लेकिन मुझे यहाँ से जिंदा बच के उतरना है, बच गया, यहाँ पानी है, बच गया। मुझे तो लगा इतना सारा काम करने के बाद कांड हो गया मेरे साथ। तो इसका ट्राई मैं किस पे करूं, बेचारी काव पे करता हूँ, वन शॉट वन किल। तो ये देखो यही हमारा मोस्ट पावरफुल गॉड स्वॉर्ड, जिसका अफसोस मैं किसी पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इतना पावरफुल है ही नहीं जो इसके सामने टिक पाए। यस आई एम द मोस्ट पावरफुल एंड द रिचेस्ट पर्सन इन माइनक्राफ्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड।